कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज ग्वार के बाजार में। ग्वार के बाजार से जुड़ी खबरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि ग्वार के मार्केट पर बाढ़ के साथ साथ सूखे का भी संकट इस वक्त मंडरा रहा है। जितने भी ग्वार उत्पादक क्षेत्र जो हैं, जो ग्वार उत्पादक ज्यादा क्षेत्र माने जाते हैं, जैसे कि बाड़मेर और जैसलमेर आदि, इन सभी इलाकों में बारिश की वजह से अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव बना हुआ है। हालांकि बिजाई के समय पर्याप्त बारिश ना होने से बिजान कमजोर हुआ और जो हुआ उससे भीषण तापमान खा गया। तो कहीं गर्मी की वजह से और कहीं ज्यादा बारिश की वजह से फसल को लगातार नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। फिर भी किसानों ने दोबारा बिजाई करी, लेकिन इस बार तेज बारिश ने सब कुछ काम बिगाड़ दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान कृषि विभाग ने इस साल ग्वार बिजाई लक्ष्य 27 लाख हेक्टेयर तय किया, जिसमें से मात्र 20 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई। और इस 20 लाख हेक्टेयर की कहानी इसके ऊपर बताई जा रही है। कुल मिलाकर ग्वार फसल इस बार घोर संकट में नजर आ रही है, इसीलिए बाजार में लगातार अच्छी तेजी देखी जा रही है। सप्लाई डिमांड के असर को देखते हुए कीमतों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उत्पादन बड़े क्षेत्र पर घट रहा है और मांग नियमित रूप से बनी हुई है और भी मांग बढ़ती जा रही है। हालांकि वायदे कारोबार में ग्वार ही बना हुआ है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जोधपुर में ग्वार सीड 5200 से 5300 रुपए, हरियाणा आदमपुर में 5100 से 5150 रुपए, गुजरात में 5300 के आसपास इसके भाव हैं, क्योंकि वायदा जो है वो मंदे में चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार उत्पादन अप्रत्याशित रूप से घट सकता है, लेकिन बाजार ऊंचा तापमान पकड़ सकता है। जानकारों का जो मानना है वो ये है कि इस बार कैरी भी नाम मात्र ही हो रही है, जिसके पास है वो भी कमजोर भाव में निकालने वाले नहीं है। तो फसल को लगातार नुकसान होने की वजह से प्रोडक्शन में काफी हद तक असर देखा जा रहा है। उत्पादन बड़े स्तर पर घटने की संभावनाओं की वजह से और जो लगातार जो डिमांड है वो बनी हुई है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से सप्लाई पर्याप्त नहीं हो रही है। और यही एक कारण है कि ग्वार की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है और आने वाले टाइम में फिलहाल अभी गिरावट आने का कोई भी अनुमान ग्वार के बाजार में तो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।